इसकी खास वजह जनता का प्यार है, जनता का सम्मान है। मोदी जी ने जो बनारस में कहा वो किया नहीं, जो भी कराया सब गुजरातियों को दिया, सारा काम गुजराती के लोग, गुजरात के लोग कर रहे हैं, सारे जितने भी ठेके हैं सारे काम सब अपने गुजराती भाइयों को दे रखा है। गंगा जी का पर्यटन से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक सभी गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। एक सर आखिरी सवाल है, जो उत्तर प्रदेश में इसका असेसमेंट आप लोगों ने क्या किया, कौन सा वोट ऐसा है जो प्लस हुआ जिस वजह से आप लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल किए? नहीं, सभी जातियों का वोट मिला, सभी लोग जो आज खासकर गरीब तबका, मध्यम वर्गीय तबका, किसान, मजदूर, आम आदमी, नौजवान, यूथ जो नौकरी के लिए परेशान था, इनके लिए वो सभी लोगों ने हमको वोट दिया है। खासकर महिलाएं, बच्चियां, बनारस के अंदर बच्चू में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, भाजपा के नेताओं ने किया, तो ये सभी चीजों को देखते हुए जनता ने हमारा साथ दिया। मंत्रिमंडल में जो यूपी को रिप्रेजेंटेशन मिला है उससे आप खुश हैं? स्मृति ईरानी हारी और उनको ड्रॉप भी किया गया। देखिए, ये पहली बात तो सरकार जो है ये पूरी तरीके से लंगड़ी सरकार है। ये लंगड़ी सरकार गठबंधन बनाकर आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार जो भी बनाया इन्होंने जोड़ तोड़ करके बनाया है। राहुल जी, अखिलेश जी की बारे में बात हो रही है कि ये लोग अयोध्या जा सकते हैं आने वाले दिनों में रामलला के दर्शन के लिए, क्या है इसमें कोई सच्चाई है? भगवान के दर्शन के लिए कभी भी कोई जा सकता है, कोई किसी के लिए कभी आज तक ना गांधी पर नहीं, योजना जरूर भगवान के लिए दर्शन करने के लिए कोई योजना थोड़ी बनाई जाती है। जब इच्छा करेगी तब भगवान के दरबार में जाके, जब इच्छा करेगी तब जा सकते हैं। कोई योजना देखिए, दर्शन पूजा पाठ के लिए ये जैसे भाजपा ने मार्केटिंग किया, मार्केटिंग का जवाब अयोध्या वासियों ने दिया ना, तो ये दर्शन पूजा की मार्केटिंग नहीं की जाती है। दर्शन हमारी आस्था का विषय है।